वेलकम दोस्तों, काष्टिया ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अपनी ले सीरीज़ में 21 एपिसोड में, जहां पे आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में पूरी फेमस है, खटदुंगला पास, जिसकी हाइट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट मानी गई है। तो आज हम पहुंचे हैं अपने इस एपिसोड के ज़रिए आपको लेके जाएंगे खटदुंगला पास। तो बने रहिए हम मेरे इस ब्लॉग में। तो चलते हैं रास्ते में, तो आप रास्ता देख ही रहे हो कितना खूबसूरत और पूरा स्नो कवर्ड पहाड़ियों में से गुजरता हुआ। तो हम लोग पहुँच जा रहे हैं खटदुंगला की तरफ, तो बने रहिए आगे तक। हम लोग पूरे सफ़र को म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहुंच रहे हैं खटदुंगला की तरफ, तो आप देख ही रहे हो अभी यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वादियों का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। पूरे पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं, तो यहाँ पे पहुंचना एक बहुत ही अनुभवी और एडवेंचर है। तो बर्फ में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी पूरी हमारी बर्फ में से गुजर रही है, तो काफ़ी गाड़ियाँ हमारे साथ हैं। तो बहुत ही एक आनंद मिल रहा है इस पूरे टूर को इंजॉय करने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत वादियों में पहुंचे हैं, बिल्कुल पॉपुलेशन से। भाइयों कैसे हो आप? खटदुंगला पास यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे रह गए, तो रास्ते में हम लोग रुके हैं। तो आप देख सकते हो अभी पहाड़ों में बिल्कुल बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं, तो बिल्कुल पहाड़ों में बर्फ पूरी हुई लगी रही है और साथ में थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो रहा है। तो रास्ते भी देख सकते हो अभी कैसे लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वादियों में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 5 किलोमीटर और आगे है। तो हमने यहाँ पे इसलिए रुके हैं, अभी हमारा जो सांस की दिक्कत है वो मौसम के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको एडजस्टमेंट करते जाएँ। तो आप देख सकते हो अभी स्नोफॉल, ऐसा कभी आपने माउंटेन्स को स्नो से ढके हुए नहीं देखा होगा। तो इंडिया में बिल्कुल कई इनक्रेडिबल प्लेसेस हैं जिनका कोई भी मूल्य नहीं है, बिल्कुल जन्नत कह सकते हो और एक अलग दुनिया कह सकते हो। तो साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, आखिर में हम जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे खटदुंगला पास की तरफ। ये आप देख सकते हो खटदुंगला की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये दुनिया का सबसे बढ़िया रोड ट्रिप है, जिसको एंजॉय करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग बाइक के जरिए, कार के जरिए यहाँ पे आते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर है लेह लद्दाख सीरीज़ का। तो जैसे जैसे हम लोग खटदुंगला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप जैसे देख रहे हो अभी रास्ते बहुत ही एडवेंचर्स हैं, तो काफ़ी एक बाइक का टूर भी हमारे साथ साथ चल रहा है। काफ़ी रास्ते दिक्कत से जो अच्छी ड्राइव नहीं जानते खुद ड्राइव करके इस टूर के लिए ना बढ़े, बिल्कुल अच्छे ड्राइवर होने की से ही टूर को पूरा किया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए, खटदुंगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया था 17,984 फीट की हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है ये, इसको खटदुंगला पास और के पास भी बोलते हैं। तो हम लोग अब खटदुंगला पास पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ का कुदरती नज़ारा। यहाँ पे ज़्यादा समय रुकने से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स हमारी बैठी है तो हमें गाइड करती है भी यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने अलग जिन स्थानों पर जाना चाहते हो वहाँ पर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत हाइट पे ये पास है। तो यहाँ पे ज़्यादातर 10-15 मिनट के बाद सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो
बेहतर यही है भी आप यहाँ के दृश्य को देखें, 10-15 मिनट एंजॉय करें। और आप देख सकते हो भी हाईवे पेट्रोलिंग की पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे तैनात है, पूरा बल है यहाँ पे, तो पूरा गाइडलाइन समय जारी की गई है। अभी ज़्यादा देर इस पास पे रुकना मनाही है और ऑक्सीजन की और समस्या आ सकती है, तो इसलिए आप 10-15 मिनट अपना एंजॉय करके तो इस पास को आप पास करके अपनी अलग डेस्टिनेशन जो आपने जाना है वहाँ पे आप चल जा सकते हो। दोस्तों कैसे हो, हम खड़दुंगला पास जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो 17,500 फीट की ऊंचाई पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ का कुदरती मौसम, तो बर्फबारी भी चल रही है, धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ही कुदरती नज़ारा है, बर्फ़ का पूरा लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो पूरा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तो बर्फबारी काफ़ी हो चुकी है। तो अभी इसका मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। दोस्तों खड़दुंगला पास पहुंच के हम लोगों ने दोस्तों के साथ कुछ टाइम यहाँ पे एंजॉय किया और अगली डेस्टिनेशन के बढ़ने के लिए तैयारी की। और देख सकते हो भी मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे पहुंच के एक अलग ही आनंद महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों ने काफ़ी खुशी जाहिर की यहाँ पे इस टॉप पे पहुंच के। तो ये हमारा जो सफ़र था लेह लद्दाख का खड़दुंगला पास, बहुत ही अनुभवी हो गुजरा है, तो दोस्तों ने काफ़ी मौज मस्ती की और पूरा जैसे आप देख सकते हो कि पूरा मन को एक आनंद मिलने वाली जगह खड़दुंगला पास यहाँ पे पहुँचे। और काफ़ी इंजॉय करने के बाद अगले प्लेस के लिए हम लोग निकले हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और जो लेह लद्दाख नहीं गए दोस्त मेरे, तो इस ब्लॉग के जरिए आप पूरे रास्तों को पूरी जगह को इंजॉय कर सकते हो। और अपना नेक्स्ट जो टूर प्लान है वर्ल्ड का रोड टूर जो है मोस्ट फेमस टूर, ये लेह लद्दाख का आप लगा सकते हो। तो हम लोगों ने तो बिल्कुल इस टूर को लगा के बहुत ही इंजॉय किया और आप देख ही सकते हो कि पूरा इस टूर में हम लोग पूरे अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए अगले टूर के लिए रवाना होने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, करते हैं इंजॉय। एक बार फिर जाते समय आपको खड़दुंगला की चारों तरफ वादियों को दिखाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो अभी गाड़ियों का यहाँ पे खड़दुंगला पास हम पहुंच चुके, लाइन बनी हुई है और लोग गाड़ियों में से निकल के पूरे पास को निहार रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो पूरे कुदरती वातावरण को आप देख सकते हो, एक जैसे हम लोग एक अलग प्लेनेट में पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वादियों का दृश्य था ये एपिसोड। तो अगले एपिसोड के लिए रवाना होने के लिए इस ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं अभी अगली डेस्टिनेशन कौन सी होती है और हम आपको कहाँ लेके जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लोग खड़दुंगला पार कर रहे हैं, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे पूरी स्नोफॉल होने लगी है। तो अगला डेस्टिनेशन हमारा नुब्रा वैली है, जिसको पार करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी रास्तों में पूरी बर्फबारी हो रही है, तो जिसमें गाड़ियों का जमावड़ा काफ़ी जमा हो जाता है और अपनी साइड पूरी साइडें जो बर्फ़ से लदी हुई हैं, एक अलग ही एडवेंचर नज़र आ रहा है। तो मैं और मोहित जी हमारे परफेक्ट ड्राइवर हैं, उनके साथ रोहित जी जो हमारे साथ हमारे भाई गए हैं।
तो हम लोग चार लोग हैं जो मोगा से जगराओं से निकले हुए हैं और इस सीरीज़ को पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया है। तो ये जो टूर है हमारे लिए लाइफ का बहुत ही एक अनुभवी टूर है। तो जो हम लोगों ने चारों ने मिलकर इस टूर को पूरा किया है, इस सीरीज़ को पूरा करने जा रहे हैं, तो एक दो डेस्टिनेशन और रहते हैं जिसको हम पूरा करके वापसी करेंगे। तो ये हमारा अनुभव आपको कैसा लगा इसके जरिए तो इसको ज़रूर बताएं। रास्तों को आप देख ही रहे हो, बहुत ही खतरनाक और खतरों के खिलाफ ही इस रास्तों को पूरा कर सकते हैं। तो बस इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज़ हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एक हौसला हो। जैसे आप देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है, हम खड़दुंगला पास पार कर चुके हैं। तो अब हम न्यूरा वैली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो आप वीडियो में देख सकते हो भी पूरा स्नोफॉल तेज़ी से आ रहा है, तो बर्फबारी पूरी जोरों पर चल रही है। तो बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट है, बहुत ही ऊँचाई पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 17,900 फीट की ऊंचाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बर्फ काफ़ी पड़ चुकी है, तो हमारे कपड़ों में बर्फ कोटों की जेबों में रुकी हुई है। तो बहुत ही हमने यहाँ पे एंजॉय किया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा तो इसके बारे में कमेंट और कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दें और हमें बताएं ये जो हमारा टूर था आपको कैसा लगा, क्या क्या आपको यहाँ पे आने के लिए जो हमने प्रॉब्लम फेस की उसके बारे में भी हमने अपने ब्लॉग में पूरा डिटेल से बताया है। तो अगर आप उस चीज़ों की प्रिकॉशन लोगे तो आप अपना ये सफ़र पूरा सक्सेसफुली तय कर सकोगे। तो तब बने रहिए आखिर तक, आगे पहुँचते हैं नुब्रा वैली, तो वहाँ पर पहुँच के आपसे बात करते हैं।